गुड इवनिंग फ्रेंड्स, इन माय सीरीज ऑन द इनकम टैक्स केसेस टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस ए केस वेयर ए रिट पिटीशन हैज बीन फाइल्ड बाय द एसएससी टीटीके प्रेस्टीज लिमिटेड अगेंस्ट द फ्रिंज बेनिफिट टैक्स लेविड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दिस रिट पिटीशन हैज बीन फाइल्ड इन द कर्नाटक हाई कोर्ट। ऑल्दो इन नंबर ऑफ द रिट पिटीशंस हैव बीन फाइल्ड इन द वेरियस हाई कोर्ट्स against the fringe benefit tax and already the various courts have given its decision that the fringe benefit tax is constitutionally valid. The point of discussing this case after such a long time, even when the fringe benefit tax has been deleted from the statute, is that we should know the basic principles for challenging the constitutionally validity of a provision. ये केस 422 ITR पेज नंबर 13 पे रिपोर्ट हुआ और इस केस में कि जो ये ब्यूटी है वो ये है कि इस केस में कोर्ट ने ये बताया कि किसी भी कानून की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज करने की क्या मर्यादा है और क्या तहजीब है, उसके बारे में कोर्ट ने डिस्कशन किया। जब कभी भी कोई ऐसा कानून आता है जो कि हमको थोड़ा अटपटा लगता है, जैसे कि फ्रिंज बेनिफिट टैक्स ही था, तो हमारे दिमाग में आता है कि इस कानून की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया जाना चाहिए। तो जब कभी भी हमारे दिमाग में ये प्रश्न आए कि हमको किसी कानून को कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज करना है, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए और कुछ कानून के प्रोविजंस को ध्यान में रखना चाहिए ताकि हमारी जो रिट पिटीशन है वो सफल हो पाए। कोर्ट ने जब इस रिट पिटीशन को डिस्पोज ऑफ करते हुए कहा कि गवर्नमेंट जो है आर्टिकल 14 में, जो कि इक्वालिटी की बात करती है, जो आर्टिकल इक्वालिटी की बात करता है कि गवर्नमेंट जब भी कोई कानून बनाती है तो किसी एक क्लास के लिए भी कानून बना सकती है और उस क्लास के अंदर खाली एक सिंगल पर्सन को भी एज ए क्लास जो है वो डिफाइन कर सकती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है कि क्योंकि जब भी कोई कानून बनता है तो हमारे दिमाग में ये बात आता है कि खाली गवर्नमेंट ने किसी एक पर्टिकुलर क्लास के लिए जो है ये कानून बना दिया है कि खाली ये प्राइवेट लिमिटेड के लिए है, क्लोजली हेल्ड कंपनीज के लिए है, लिस्टेड कंपनी के लिए नहीं है। तो गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है कि वो एक पर्टिकुलर क्लास के लिए भी जो है वो कानून बना सकती है और कोर्ट ने यहां तक कहा इस केस में कि इवन ए सिंगल पर्सन कैन बी ट्रीटेड एज ए क्लास फॉर मेकिंग द प्रोविजन। और कोर्ट ने इस केस में ये डिसाइड और ये बताया कि जब कभी भी कोई कानून लाया जाता है स्टैट्यूट पे तो ये प्रेज्यूम किया जाता है कि ये कानून जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड है। एसएससी को ये प्रूव करना होता है कि ये कानून जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है। और इस केस में ये डिसाइड किया गया फ्रेंड्स कि जब भी हम कोई कानून को चैलेंज करते हैं तो कई बार हमारे दिमाग में आता है कि गवर्नमेंट जो है वो डबल टैक्सेशन जो है वो नहीं कर सकती। तो इस केस में इस पॉइंट को भी डिस्कस किया गया कि यदि स्टैट्यूट के अंदर स्पेसिफिकली ये बात कही गई है कि किसी पॉइंट पे गवर्नमेंट जो है वो दो बार टैक्स ले रही है या किसी प्रोविजन के अंदर एसएससी को दो बार टैक्स देना पड़ रहा है और ये स्पेसिफिकली ये बात कानून में लिखी गई है, तो तब भी वो प्रोविजन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड होता है। तो डबल टैक्सेशन का ये सिद्धांत है कि यदि गवर्नमेंट किसी मैटर पे दो बार टैक्स लेना चाहती है तो स्टैट्यूट के अंदर जब तक ये बात स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि देर इज ए इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक द डबल टैक्स, द गवर्नमेंट कैन नॉट टेक द डबल टैक्स। जब तक ये बात स्पेसिफिकली कानून में स्टेट्यूट में नहीं लिखी कि गवर्नमेंट जो है वो डबल टैक्सेशन कर सकती है, तब तक जो है वो डबल टैक्सेशन जो है वो कलेक्ट नहीं की जा सकती है। जब एसएससी जो है वो फ्रिंज बेनिफिट टैक्स की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज कर रहा था तो एसएससी ने यह बात कही कि फ्रिंज बेनिफिट टैक्स जो है वो इनकम फ्रॉम
जो इनकम के 5 हेड हैं उनके अंदर कहीं भाई डिफाइन नहीं किया गया है। तो इस बात पे कोर्ट ने ये कहा कि जो इनकम की डेफिनेशन है वो इंक्लूसिव डेफिनेशन है और इसके अंदर जो है वो कुछ भी इंक्लूड किया जा सकता है। तो असेसी की इस बात को भी कोर्ट ने नहीं माना कि जो कि 5 हेड्स के अंदर फ्रिंज बेनिफिट टैक्स को जो है वो इंक्लूड नहीं किया गया है, इसलिए इस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जो टैक्स जो इनकम की डेफिनेशन है वो इंक्लूसिव डेफिनेशन है और इसमें लेजिस्लेचर को यह अधिकार है कि वो कोई भी जो है वो इनकम को इसमें इंक्लूड कर सकता है। दूसरी बात, असेसी ने जो अपनी पिटीशन में कही वो ये बात कही कि जो फ्रिंज बेनिफिट टैक्स लगाया गया है वो खाली प्राइवेट एम्प्लॉयज के ऊपर लगाया गया है और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए नहीं लगाया गया है। तो इस बात पे भी जो कोर्ट ने अपनी फाइंडिंग दी वो ये दी कि जो लेजिस्लेचर है वो टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी एक पर्टिकुलर क्लास के लिए जो है वो टैक्स के प्रोविजन ला सकता है। फ्रेंड्स, व्हेन यू विल गो थ्रू दिस द फुल टेक्स्ट ऑफ दिस केस देन यू विल बी एनलाइटन्ड विद ए नंबर ऑफ प्रोविजंस व्हिच थ्रोस लाइट ऑन द पॉइंट्स व्हिच शुड बी टेकन केयर व्हाइल फाइलिंग ए रिट पिटीशन फॉर चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ ए प्रोविजन। आई होप दैट द डेलिब्रेशन ऑफ दिस केस विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द प्रोविजंस फॉर फाइलिंग द रिट पिटीशन फॉर चैलेंजिंग द प्रोविजन ऑफ ए लॉ ऑन द टचस्टोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। इफ यू लाइक माई वीडियोज देन आई विश यू एंड आई अपील टू यू दैट यू लाइक माई चैनल एंड प्रेस द बेल बटन। थैंक यू फ्रेंड।